Very, I've been like, my family, I've been like open about everything. When they I know lost all about virginity, when I lost virginity only I can lose. So I lost, I told them, I said, aaj kar kya. Mom. Kya hua, Shin-chan? Mom, mujhe bhi karna hai. Nahin, Shin-chan, tum abhi bahut chote ho. डैड मॉम को बोलो ना, मुझे करना है। ओहो शिनचैन, क्या चाहिए तुम्हें? मैं हमेशा एक्शन कामी को देख के हिलाता हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कोई मेरी मूंगफली से प्यार करे, मॉम जैसे अब डैड की मूंगफली से प्यार करती है। तो कैसे हो आप लोग? तो आज मैं ऐसी शिकायतों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सरकारों को भी पता है। तो वो शिकायतें तीन तरह की है। पहली शिकायत, हमारे रोड के गड्ढे। दूसरी, टिकटॉकर्स का कंटेंट। और तीसरा, कपल्स का खुले में रोमांस करना। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपके मन में भी ये शिकायतें कभी ना कभी तो आई होंगी। तो आज हम इन्हीं तीन शिकायतों के बारे में बात करने जाएंगे। नहीं, तीन नहीं, दो, क्योंकि यार सड़कों की शिकायतों के बारे में मैं ज्यादा कह नहीं सकता ना, फिर वो सरकार के दल उठ के आ जाएंगे। वो फिर मेरे से कहेंगे, हाँ भाई साले, तूने ऐसा कैसे बोल दिया कि दिल्ली की सड़कें खराब है, यूपी की सड़कें खराब है, कैसे बोल रहा है तू? यूपी की सड़कें तो बढ़िया है, दिल्ली की सड़कें ज्यादा खराब हो रही है। पर क्या ही कह सकते हैं भाई, ये सरकार का मामला, इसके बीच में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरा, हमारे टिकटॉकर्स का कंटेंट, जिसे कंटेंट नहीं, मैं तो सबसे बड़ा गू समझता हूँ। टिकटॉकर्स की वीडियोस का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह मर चुका है कि साला जितनी मर्जी मेहनत कर ले वो कंटेंट दोबारा पैदा नहीं हो सकता। उनने ऐसा एंटीडोट जो ले लिया है, उनने ऐसे इंजेक्शन लगा लिया अपने अंदर कि साले कंटेंट बनाने की सोचेंगे जब भी गुई बना देंगे। फॉर एग्जांपल, हमारी फेसबुक के टुकड़ों पे चलने वाली टीम 07 का हमारा अदनान। तीसरी शिकायत, जो कि इंटरनेट पे तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है, सड़कों पे रोमांस करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आप लोग यार मुझे गाली दे रहे होगे कि इतने दिनों से सिवा तू कहाँ गायब था, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, भाई तुम्हारा चैनल भी है, भाई तुम मर तो ना गए? ना भाई, मरा ना हूं भाई, इसी दुनिया में वो कुछ जरूरी काम था तुम्हारे भाई को, इसलिए तुम्हारा भाई वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर अब वीडियो रेगुलर आएंगे, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, तुम्हारे लिए एक दो दिन में सरप्राइज भी आने वाला है, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। बकचोदी तो होगी। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? हटे कोड़ बावली लौंडिया। नहीं मैडम, आप एक काम करो ना, आप उसके मुंह में घुस जाओ, वो आपके मुंह में घुस जाता है। नहीं, छोड़ो मत ना एक दूसरे के मुंह को, छोड़ो ही मत। उसके मुंह पे तो लॉलीपॉप लग रहा है और आपके मुंह पे चॉकलेट लग रही है, तो आप लॉलीपॉप चूस लो, वो चॉकलेट चूस लेगा। मतलब यार कितना ही गंद मचाते हैं, बीच का जो स्पेस था ना, इसे भी नाम के लिए छोड़ा है। इनकी और दूसरी वीडियो में भाई ये स्पेस भी कवर हो चुका है, तो वो कभी और दिखाऊंगा तुम्हें। पर मेरे को भाई एक बात बता यार, तुम इतना ज्यादा पैसा छाप रहे हो, एक ओयो ले लो। ओयो ना आए तो यार अपने दोस्तों के फ्लैट में चले जाओ, तुम्हारे पास तो घर भी है, घर जाके कर लो ना गू करम। रात में तो करते ही हो गए साड़ो, जब भी तुम्हें चैन नाम और वीडियो बना के और डालनी है तुम्हें इंस्टाग्राम पे। कैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हो, हमारे निब्बा निब्बी भी यही करते हैं। और हाँ, तुम भी किसी निब्बा निब्बी से कम ना मेरे भाई। सही बात है। चलो अब हटो एक उड़कू, तुम्हारा स्क्रीन पे इतना ही था, अब दूसरी मीम्स चला दो। अब मैंने YouTube फैमिली के लिए इतने दिनों बाद तो वीडियो डाली, अब उन्हें थोड़ा और बढ़िया चीज दिखा दो, थोड़ा सुकून दिलवा दो ना, ठीक है? अब हटो एक उड़कू, चलो। हाँ भाई यूट्यूब फैमिली, लगा गया सदमा, दिल के हो गए चार चार। तुम क्या सोच रहे थे लड़की आएगी? सालों ब्लर करके रखता हूँ ऐसी वीडियोस को तो मैं। और तुम क्या सोच रहे हैं, यहाँ कमर दिख रही है, आज तो सोफिया अंसारी मिलेगी क्या हमें? आगे दिखाएंगे तुम्हें सोफिया अंसारी को, पर यहाँ तो तुम्हारे दिल के अरमानी टूट गए साड़ो। अबे साले, अरे गाली मत ना दो यार, तुम्हारा भाई हो, अभी और वीडियोस देखो। तुम मेरे बराबरी करने का क्यों सोच रहे हो भाई? मैं अगर अभी 10 मिनट के लिए मोबाइल ऑफ कर लूँ ना, तो 50 लड़कियाँ सुसाइड कर लेगी। पहली बात तो साले तेरी बराबरी की छोड़, तू हमारी बराबरी ना कर पाएगा। और दूसरी बात, तेरी खूबसूरती की रही ना, तो साले सुअर को कपड़े पहना के बैठा दू और तुझे कपड़े पहना के बैठा दू, तो दोनों एक जैसे लगेंगे।
बंदा फर्क नहीं बता पाएगा कि सुअर कौन सा आदमी कौन सा है। और रही तेरी लड़कियों के ऊपर मरने की बात, तो बिल्कुल सही कह रहा मेरे भाई, अगर तू ना फोन बंद कर दिया तो तू लड़कियों की तरफ देख लेगा, और लड़कियों ने अगर तेरी तरफ देख लिया ना भाई चंद, तो यार डर जाएंगे, वो कहेंगे दिन में कौन से भूत नजर आ रहे हैं मेरे को भाई, मर जाएंगी। सही कह रहा है, घर में ही पैक रहा कर तू और फोन ही चला पूरे दिन। सही बात है। तुम मेरे बराबरी करने का क्यों सोच रहे हो भाई? मैं अगर अभी 10 मिनट के लिए मोबाइल ऑफ कर लूँ ना तो 50 लड़कियाँ सुसाइड कर लेगी। आए बड़े हैंडसम के किंग बनने, लड़कियां मर जाएंगी, हमारी होड़ मत करो। अबे तुम क्या होड़ करोगे रे बाबा, तुमने तो सालों कमला थकवा के अपने बाल लाल करवा रखे हैं। तुम तो यार टिकटॉकर से भी क्या गुजरे हो, नहीं टिकटॉकर तुमसे ज्यादा क्या गुजरे हैं, नहीं तुम दोनों ही सालों क्या गुजरे हो, मैं क्या ही करूँ यार तुम दोनों का। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, दिल थाम के रखना। अब आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी फेवरेट सोफिया अंसारी, तो दिल थाम के रखना, ठीक है? ओके। देखने को मुझको सब बहाने तू बनाई। सोफिया जी को पता है उनके व्यूअर्स उन्हें देखने के लिए क्या क्या करते हैं, घर पे बहुत सारे बहाने बनाते हैं। पापा यार फोन दिखा दो ना, मेरी क्लास चल रही है। मम्मी यार नेट डलवा दो फोन में। नेट छोड़ो यार, तुमने एक वाईफाई लगवा दो यार, मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है। स्कूल खुल गया, मैं मानता हूँ स्कूल खुल गया, पर जब भी यार ऑनलाइन क्लास आती है ना मम्मी वाईफाई लगवा दो। अरे पापा फोन लेके जान दो ना यार टॉयलेट में, मेरी क्लास चल रही है। अरे मम्मी यार मेरे को फोन लेके नीचे जान दो ना, वो दोस्तों के पास जा रहा हूँ ना, वो दोस्तों के साथ पढ़ाई करूंगा, और दोस्तों की गैल जाके सोफिया अंसारी की वीडियो चला के सारे कमेंट करते हो, इसके कपड़े देखो ये, ओए कौन से गाने पे डांस कर दिया यार, ओए होए होए मेरे को पता था तुम भी यही करते हो। आए बेटे सोफिया जी, आप में बहुत कुछ है, मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आप में क्या क्या है। देखो आपके ओ छोड़ यार, मतलब आपकी पहले डांसिंग, आपका स्टाइल, आपका इन्फ्लुएंस करने का तरीका एकदम मक्खन की तरह इन्फ्लुएंस कर देती हो आप लोगों को। आप में बहुत कुछ है यार, आप ना एक स्टार हो। लो मैंने आपको आज स्टार कह दिया, पर कौन सी स्टार हो ये नहीं कहूंगा। क्या बोला तूने? भाड़ में जाए मेरा मनपसंद शख्स। अरे ओ बावड़ी लोंडिया, तेरा मनपसंद साला जाए कुएं में जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तू यार कपड़े पहन ले, अगर तेरे पास कपड़े ना है ना तो हमें बता दे यार, हम ट्रांसफर करवा देंगे। वैसे भी इस टाइम बहुत सारी सेल चल रही है, तेरे को वहीं से कपड़े की शॉपिंग करवा देंगे। हर वीडियो में यार छोटा कपड़ा पहन के आ जाती है यार, तू भी बता। और तेरा मनपसंद जाए चाहे भाड़ में जाए, चाहे साला कुएं में जाए, या फिर किसी गटर में गिर जाए, हमें क्या करना, बस तू अपने कपड़े पहन ले यार, तेरे कपड़े गायब भी होते रहते हैं। मैं मम्मी पापा से बोल कपड़े दिलाएंगे। ठीक है समरिया। अब तेरे पास तो बतेरे कपड़े, मैं सजना तेरे लिए सजना। सोफिया जी तुम्हारे क्या बजे कंगना, वाह 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 वाह। तुम्हारी वीडियोस देख के यार रियली जो सैड बंदा होगा ना वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता होगा, उसे भी दिली तमन्ना मिल जाती होगी, वो भी कहता होगा चल ठीक है मैं सिंगल हूँ, बढ़िया है, कम से कम गर्लफ्रेंड देख तो नहीं रही मैंने किस किस को फॉलो कर रखा है, चाहे उसमें मिया मालकोवा हो या फिर डैनी डैनियल्स हो या फिर शशि पूनम या फिर हमारी सोफिया अंसारी, कोई भी हो सबकी वीडियोस देख सकता हूँ और आनंद उठा सकते हैं फुल, है ना सोफिया जी। तो चलो यार आज के लिए बस इतने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जानते ना क्या करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ आपके लिए एक सरप्राइज है, आपको चैनल का नाम वाम सब कुछ चेंज मिलने वाला है कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद एक दो दिनों में ही आपको चेंज मिल जाएगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उन्हें भी थोड़े मजे ले दो। सो बाय, लव यू। और हाँ 12th का रिजल्ट बता देना अगर तुम 12th में हो। बाय। ओए मोहित तेरा 12th का रिजल्ट आ गया, कितनी परसेंटेज आई है बता तो दे। बता दे तू शर्मा क्यों रहा है, पास तो हो गया ना, क्या सारे कंपार्टमेंट आ गए एक में? तेरा पापा मारेगा भाई, अब तना कुत्ते का देख लिया, बच के रही हो तू। क्या यार आज बहुत दर्द हो रहा है, चेन बंद करते वक्त बचपन वाला हादसा हो गया मेरे साथ।